सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले 5 से 10 दिनों के अंदर ये जो सामाजिक, इसको एक सामाजिक मोड़ देने की जो कोशिश की जा रही है कि राजपूत समाज इकट्ठा होगा या मेरे समर्थन में जैन समाज इकट्ठा होगा, तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ, और जब तक मुझे अपना हक नहीं मिलेगा मैं वो लड़ाई लड़ता रहूँगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। न्यायालय ने मेरे पक्ष में जो भी फैसले दिए हैं उसकी बौखलाहट में मेरे ऊपर पिछले 15 दिन में 2 बार जानलेवा हमले, तो इन सभी चीज़ों को, और मैं कोई भी चीज़ मिथ्या या मनगढ़ंत यहाँ पे बोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो भी चीज़ बताऊँगा तथ्यों के आधार पे और कागजों के आधार पे आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, ये जो मेरे पे हमला हुआ है ये इसलिए नहीं हुआ है कि मेरी जमीन कोई भंवरलाल गमेती कोई प्रेम सिंह या वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मेरी जमीन मेरी है। बहुत सारे कागज, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे हाईकोर्ट के आदेशों से ये प्रूव हो चुका है कि मेरी जमीन है, तो फिर मेरे पे हमला क्यों होता है? ये जो रिसोर्ट वहाँ पे बना हुआ है ITC मेमेंटोस, और इनके मालिक विजेंद्र जी चौधरी जो पिछले 10 साल से वहाँ पे कार्यरत हैं, ये 2014 में हमारी जमीन खरीदने के लिए हमारी फैक्ट्री में आए और हमने इनको बड़े ही सादर तरीके से बोल दिया कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमको नहीं बेची। इन्होंने उस वक्त भी बहुत अड़ंगे लगाए पर वो बात वहाँ खत्म हो गई। 2020 में जब हम वहाँ पे गए प्लांटेशन करने, वापस से हमारे साथ जाते हैं वहाँ पे, तब तक इनके रिसोर्ट का कुछ काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। उस वक्त इन्होंने हमारा रास्ता रोक के और हम पे जानलेवा हमला करने की कोशिश करी, जिसके अंदर विभिन्न FIR दर्ज की और उसकी जांच आज तक भी बैठी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिसोर्ट वाले को हमारी जमीन क्यों चाहिए? आप सब हो सकता है ITC रिसोर्ट पे गए हुए हों, आज की तारीख में टिल टुडे उस रिसोर्ट पे जाने का कहीं पे भी कोई वैध मार्ग नहीं है, इसलिए, और वो जो वैध मार्ग जो जाता है वो मेरी जमीन में से जाता है। इन्होंने हमारे उदयपुर के अंदर एक बहुत ही घृणित कार्य हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड, उस दौरान इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करी क्योंकि प्रशासन सारा बिजी था। मैंने एक अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस ने जांच बिठाई कि मेरी जमीन का सीमा ज्ञान करा है, उस सीमा ज्ञान की का प्रोसेस करने के लिए मुझे कम से कम 1.5 साल लग गया, हाईकोर्ट के 5 आदेश, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, और फाइनली हाईकोर्ट में कंटेंप्ट दायर हुआ कि जब ये प्रार्थी इतनी बार आ चुका है और प्रशासन इसका सीमा ज्ञान करना चाह रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हाल ही में उस जमीन का आप सबको पता होगा कि सीमा ज्ञान किया गया है, जिसके अंदर पूर्णतः तरह से ये आया कि मेरी जमीन पर रिसोर्ट मालिक द्वारा उनकी पार्किंग, उनका रास्ता, उनका आधे से ज्यादा रिसेप्शन मेरी जमीन के अंदर बना दिया गया। उसके बाद भी मैंने न्यायिक प्रक्रिया अपनाई, कलेक्टर साहब से मिला, उन्होंने आदेश किए, मैं अपनी जमीन पे कृषि कार्य करने गया, और ये बौखलाहट में उस दिन मेरे पे फिर एक जानलेवा हमला हुआ पुलिस वालों की मौजूदगी के अंदर। ये मैटर यहीं खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मण सिंह जाला, जो आप सबको पता है कि काफी दिनों से हम लोगों के बीच में कुछ मुकदमेबाजी और बयानबाजी चल रही है, मैं पिछले 4 साल में मैंने कोई बयानबाजी नहीं कही, कुछ भी नहीं किया, मैं पहली बार आपके सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ इसलिए कि बताने के लिए कि हकीकत क्या है। लक्ष्मण सिंह जाला बहुत सारे माध्यमों से कहता है कि मैं गरीबों की लड़ाई, राजपूतों की लड़ाई ये लड़ रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई उसी दिन क्यों चालू हुई जिस दिन ये पता पड़ा कि वो जमीन ITC ने मेरी जमीन पर कब्जा किया होगा। तब मेरे पे हमले होते हैं हाईकोर्ट के अंदर, जब रिट ये लगाते हैं उस सीमा ज्ञान के स्टे पे, तो हाईकोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है, तब मेरे पे फिर हमला होता है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। सबसे बड़ी बात, इस रिसोर्ट, ये लड़ाई अब मेरी पर्सनल लड़ाई ही रह गई है। मैं वहां पे जो आसपास के 4 गांव हैं जिनमें बहुत सारे राजपूतों की जमीन, बहुत सारे आदिवासियों की जमीन और बहुत सारे दूसरे समाजों की जमीन जो है वो इस रिसोर्ट मालिक को लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा दे दी गई, और उसके सभी कागजात
मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। ये जो पूरा रिसोर्ट बना हुआ है ये आदिवासियों की जमीन पे बना हुआ है और इन सब की रजिस्ट्री के अंदर एक भी रुपया चेक के द्वारा नहीं दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन किस तरीके से इन आदिवासियों से ली गई होगी और उनको किस तरीके से दबाव बनाया गया होगा। मैं बताता हूँ, आसपास के चार गांव राया, उछाण, घाटिका मठ और राया उदयपुर, इन सब में मिलाकर लक्ष्मण सिंह जाला द्वारा उस रिसोर्ट मालिक को लगभग 1400 बीघा जमीन दी गई है और यही नहीं पूरे गांव के गांव दे दिए गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन सब जमीनों में बेनामी ट्रांजेक्शन, करोड़ों रुपए का कैश का लेन देन और ये सब हुआ है और इन आदिवासियों की जिनकी जमीन दी गई है उनको हो सकता है कि कोई पैसे भी ना मिले। सबसे पहले आते हैं कि इस रिसोर्ट के कन्वर्जन के ऊपर। इस रिसोर्ट का कन्वर्जन 2015 के अंदर किया गया जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्लॉट आवासीय कॉलोनी के रूप में काटे गए थे और इनको ये प्लॉट की इन्होंने रजिस्ट्री करवाई। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जब 2-2, 4-4, 5-5 हजार फीट के प्लॉट्स इनको दिए गए तो वहां पे लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये रिसोर्ट कैसे बन गया। जब इसका थोड़ा विश्लेषण किया गया और कागज निकाले गए तो ये पाया कि ये जो रिसोर्ट है ये 70% इनकी खातेदारी जमीन पे बना हुआ है और लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट, मैं आप नोट करिएगा, 7 लाख स्क्वायर फीट जमीन सरकारी जमीनों पर भी इन्होंने कब्जा किया। ये उसकी कागजात